आखिर कुआरी क्यों है माता वैष्णवी देवी? माता के अधिकांश स्वरूप सुहागिन की तरह ही पूजे जाते हैं, फिर माता वैष्णो देवी कुआरी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा इस प्रकार से है, त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों में संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई। एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि मादी शक्ति के सर रस और तम को दिखाने वाले तीन रूप महा सरस्वती, लक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को यह भी पता चला गया कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेंगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 बरस की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करते त्रिकुटा को बहुत बरस बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देख बहुत चकित हुए। इस कन्या की खोज और आभास से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहल वश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को विनय पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर के पुत्र त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा ज्ञान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी रहने के संकल्प में बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु क्या मेरा यह तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा तप अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता का पता लगा कर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगे तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकाश से प्रकाशित होता था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करके उसे हराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी भाई और समस्त सेना के साथ वह अपने नगर को लौटने लगे। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा को दिया अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचने ही उन्होंने भगवान से विमान रुकवा दिया। सभी कौतूहल में पड़ गए थे तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल के प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके पर त्रिकुटा उन्हें पहचान ही ना सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाग न पाई। तो भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल ना हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले। भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में तो मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ, कलयुग में मैं जब कल्कि के रूप में अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णव देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं होगा। जो भी भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान लेकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेश अनुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला की तीन पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वही माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। श्री हरि का वरदान उन्हें होने के कारण वैष्णो माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसीलिए माता का स्वरूप कुमारी का है। वह श्री हरि के कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकारेंगे और संभव है माता वैष्णव देवी को किसी अन्य धाम पर ही स्थान दें और उन्हें कुछ अन्य दायित्व भी दें। यह कथा लोक श्रुति पर आधारित है और दक्षिण भारत की बहुत प्रसिद्ध लोक श्रुति है। माता वैष्णो देवी के पास श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना माता अवश्य पूर्ण करती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह वैष्णव माँ की यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब करें। जय माता वैष्णो देवी।